अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई डू होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज माय फोर्थ व्लॉग और आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा हम एलओसी पे थे कश्मीर में, और आज जहाँ पे हम मौजूद हैं ये जगह है अटक खुर्द। ये एक स्टेशन है और जो कि आपको दिखाते हैं कि बना कब था ये 1884 में जो ये स्टेशन बना था और इसका नाम है अटक खुर्द, और ये नौशहरा के भी करीब है और अटक से भी करीब है। अटक से ऑलमोस्ट आप कह लें 30 मिनट्स की ड्राइव है एंड इट्स द बेस्ट प्लेस टू विजिट, और आप लोग जरूर इधर आएं। और आपको बताते हैं कि जिस तरह अभी ये यहाँ पे इधर मेंशन भी है कि 1003 जो है फीट अबव सी लेवल है ये, और साथ हमारे पास क्या है कि ये 1607 किलोमीटर्स अवे जो है कराची से है। तो ये बड़ा ही एक हिस्टोरिकली एक बड़ी प्यारी जगह है, आप लोग इसको आगे जरूर विजिट करें, एक्सप्लोर करें, इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट। आपको बिल्डिंग को दोबारा एक दफा दिखाते हैं। असगर एक दफा इसको दिखाएं। अच्छा जी, अब हम म्यूजियम को देखने जा रहे हैं, जो ये अटक फोर्ट का जो हमारे पास म्यूजियम है इसको देखने जा रहे हैं। फातिमा भी हमारे साथ है। फातिमा जो है मेरी भांजी है। फातिमा हाय कर दें देख के। और आप बताएं इंजॉय कर रही है कि नहीं, सबको बताएं। और अब सबको क्या कहेंगी, इधर आना चाहिए कि नहीं, सबको बताएं, कैमरे में देख के बताएं। खूबसूरत जगह है, आपको मजा आ रहा है यहाँ पे, इंजॉय कर रही है आप। तो ये अभी भी ऑपरेशनल है, दिस स्टेशन इज ऑपरेशनल, और यहाँ पे आगे ब्रिज भी है। हम कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं, आपको दिखाते भी है जो ब्रिज बना हुआ है, स्टील का ब्रिज, ये भी अभी आपको दिखाते हैं। आपको लेट्स कम। ये पुराने जमाने में इसको जो है क्या होते थे कि दफ्तरों में और ट्रेनों के अंदर इसको कमरे को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जो है ये पुराने पंखे हैं, उनके जो है ये अभी तक लगे हुए। ये क्या है, ये इसके ऊपर ये कोयले वाले इंजन का जो है ये सिस्टम है। इसके अंदर जो है फाइनली जो है ये पिस्टन पंप होता था, जो कि जो है उसको प्रेस करता था और गाड़ी आगे चलती थी। गैस कहीं और पैदा होती थी, उसका चैम्बर अलग। ये जो है ये पुराने वो उस दौर के बर्तन हैं जो रेलवे ने अपने स्टाफ को लोगों को इशू किए। ये चायदानी है, जग है, ये घड़ा है, ये सारी चीजें हैं, समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आके ये रेलवे के जो है पुराने टेलीग्राफ सिस्टम होता था, जो डिक दादा कहता हूँ ये वो वाला टेलीग्राफ सिस्टम था। ये नीचे लिखा हुआ है टेलीग्राफ साउंडर, इसमें जो है वो हर दो तीन या चार या पांच जो साउंड थी उनके फर्क से ये पता किया जा सकता था। वो उनको पता होता था कि अब ए लिखना है मैंने मैसेज में, बी लिखना है, जेड लिखना है, डी लिखना है, और ये साउंड से वो अंदाजा लगाता था। ये सारा जो है टेलीग्राफ का सिस्टम है, रेलवे टेलीग्राफ जो है सबसे पहले रेलवे और फिर टेलीग्राफ सिस्टम जो है पाकिस्तान में अंग्रेजों ने कायम किया था। क्या करते थे, ये टेलीफोन बजता था तो ये उसको पता चलता था कि ये कौन सी साइड का, एक दूसरी साइड का होता था कि ट्रेन अप से या फोन आ रहा है या डाउन से आ रहा है। वो जो है डाउन है, ये अप है। ट्रेन की हमेशा दो साइडें होती हैं, आपको ये मैग्नेटिक टेलीफोन है, और ये जो है ये वो क्या कहते हैं ओल्ड टाइप पोर्टेबल टेलीफोन सेट है। ये दूर से जो है ये दिखाते थे कि जो है रेड लाइट है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी जहां पर ये रेड लाइट देखेगी वो रुक जाएगी, और ग्रीन लाइट देखेगी तो वो चलती रहेगी। और ये जो है ये बड़े पावरफुल लेंस होते हैं, और इनके अंदर लालटेन होती थी, और कोई नॉर्मल लालटेन होते थे। ये इसी तरह ये जो है छोटी वाली लाइट है, ये जो ये पड़ी है ये लाइट इस्तेमाल होती थी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि और ये जो है ये इनके साथ ये बर्नर थे, हीटर थे। ये जो है ये बर्नर ये वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। ये जो है ये अगेन टेबल लैंप और बर्नर, ये भी लाइट्स हैं, ये नॉर्मल वो लालटेन है। ये लालटेन जिस वक्त दिखाते थे तो इसका मतलब है कि ट्रेन जो है ना जहां पे खड़ी है ना रेलवे स्टेशन पे, वहीं पे खड़ी रहेगी, अभी आगे नहीं जाएगी। जब उसको ग्रीन लाइट नजर आती थी उसके अंदर, तो ट्रेन फिर मूव करती थी। ये वो नॉर्मल लालटेन है, ये भी नॉर्मल लालटेन है। Thank you.
ये जो है ट्रेन का जो वेटिंग रूम था उसका ये परिचय था। ये टेबल होते थे, ये गोल टेबल मूवमेंट जो है ये इस्तेमाल किए जाते थे डाइनिंग रूम में। अभी आपको यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे PR लिखा हुआ आता है, लेकिन 1970 से पहले जिस वक्त बंगाल हमारे साथ था तो यहाँ पे लिखा होता था PWR पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे। और ये जो है ये इसका जो है ये 221 HGS इसका मतलब ये होता था कि ये इंजन का नंबर है और ये कौन से स्टेशन पे जाके फाइनली खड़ा होगा, ये उसके ऊपर ये लिखा होता है। और ये जो है इसके रेलवे इसके अंदर ये वाला जो बर्निंग चैम्बर होता था और यहाँ से जिस वक्त गैस निकलती थी, गैस निकलते हुए जिस वक्त थी तो पिस्टन जो है ना वो उनको प्रेस होते थे, पिस्टन प्रेस होते थे नीचे को, तो ये नीचे से आकर ये पहियों को जो है ना हरकत देता था और गाड़ी इस तरीके से चलती थी। जब गाड़ी को पीछे करना होता था तो अगेन यही सारा अमल दूसरा होता था, फिर गाड़ी पे जो है ये धुआं जो है वो इधर साइडों पे इनके बैट्स होते थे वहां से निकलता था और गाड़ी पीछे को जाती थी। ये ड्राइवर और ये बैठते थे और इनमें जो है एक फायरमैन होता था, एक ड्राइवर होता था, एक असिस्टेंट होता था। ड्राइवर का काम था वो सिर्फ गाड़ी चलाता था, असिस्टेंट का काम जो है दो थे कि एक लाइट देखता था कि क्या आगे मैंने गाड़ी लेके जाना है या रुकना है यहाँ पे वो। उसके बाद दूसरा जो फायरमैन है उसका काम यह था कि जो कोयला इस चैम्बर में स्टोर किया हुआ है इस तो कोयले को जो है ना पूरा उसने इग्निशन के लिए तैयार करके आगे डालना है। ये ट्रेन की जो पटरी है ये जो आप इस तरफ को राइट को मेरे हाथ के मुताबिक देख रहे हैं ये जा रही है रावलपिंडी और इस तरफ को जा रही है। यहाँ पर एक अजीब चीज और जो है एक बेहतरीन चीज देखने वाली है कि ट्रेन का रास्ता ऊपर से है और सड़क उसके नीचे से गुजर रही है, जबकि पाकिस्तान में अक्सर जगहों पर सड़क ऊपर से गुजरती है और ट्रेन नीचे से गुजरती है। और ये रास्ता पाकिस्तान बनने से पहले ये पुल बना हुआ है और इसकी मजबूती इतनी है कि ये इस वक्त भी 100% मजबूत और 100% फिट है। चले जी, आपको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी जो अटक खुर्द के अंदर म्यूजियम है उससे रिलेटेड मेरे अंकल जो है मेजर जावेद उन्होंने, और आप लोगों ने होपफुली इसे इंजॉय भी किया होगा। आप पीछे व्यू देख सकते हैं, एक दफा आपको हम दोबारा सराउंडिंग्स का व्यू दिखाते हैं। दैट इज क्वाइट ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है यहाँ का, बहुत ही सीनिक व्यू है। अगर आप लोग यहाँ पे आए आप लोग सीरियसली बहुत इंजॉय करेंगे। तो बाकी आपको ये है कि अभी हम एक ब्रिज पे लेके जाने वाले हैं, दैट इज अ स्टील ब्रिज, और जो कि आपको बताएं कि सिंपली बताते हैं ये पहले यूज होता था जिसको GT रोड कहते हैं उसके लिए, जिसके नीचे से जो है गाड़ियां जाती हैं और ऊपर से ट्रेन जाती है। अभी आपको वो एक हिस्टोरिकल पॉइंट है वो दिखाते हैं, उसका भी बड़ा सीनिक व्यू है, दरियाए सिंध उसके नीचे से गुजर रहे हैं। तो लेट्स गो टूवर्ड्स दैट साइड। रेलवे के इस मशहूर पुल को बनाने के लिए इंग्लैंड की वेस्टवर्ड बेली एंड कंपनी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उन्होंने ये प्रोजेक्ट 1880 में मुकम्मल कर दिया। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इतने साल गुजर जाने के बावजूद ये रेलवे स्टेशन पर और इसके अलावा ये रेलवे पुल का जो है इसके किसी भी चीज में किसी भी किस्म की खामी कमजोरी या जंग आलूदा होकर खत्म होने की किसी किस्म की अलामत नहीं पाई जाती। और ये ऐसा मटेरियल इन्होंने इस्तेमाल किया है लोहे का कि जिसको इतने साल गुजर जाने के बावजूद हर किस्म की या टेक्निकल डिफिकल्टी या टेक्निकल प्रॉब्लम से ये सारी चीजें आजाद हैं। और अंकल मुझे आप बता रहे थे कि GT रोड पता है वो पार्ट है जो अच्छा हाँ, ये मेरे दाएं तरफ जहाँ से हम किले के अंदर दाखिल हुए हैं और ये वाला जो है GT रोड का पोल जो है ये, और फिर आगे जाकर दाएं तरफ ये रोड का वो हिस्सा है
जो शेरशाह सूरी ने तामीर करवाया था 1880 से पहले, इस जगह पर कश्तियों का पुल हुआ करता था और उन कश्तियों के पुलों के ऊपर से ये गाड़ियां जो गुजरा करती थी। ये अंग्रेजों ने दिफाई मकासद के लिए और ट्रेन को कामयाब बनाने के लिए ये पुल तामीर किया। ऑलमोस्ट यस, नाउ हेयर इट इज वी आर इन पंजाब, जस्ट मिड द रिवर इंडस, इट्स बाउंड्री लाइन्स और आधा दरियाए सिंध जो है उधर सिंध इसमें केपी के में है, आधा केपी के में और आधा पंजाब, आधा पंजाब में है। अच्छा, तो आप देख रहे होंगे ये जो ब्रिज है 1880 का ब्रिज है और ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इसका सीनिक व्यू देखें, अगर हम ऊपर की तरफ को देखें, आप चेक करें, इसके ऊपर से रेल की जो है जो ट्रेन्स हैं वो जाती हैं, इसके ऊपर ऊपर जो है वो जो ट्रेन्स हैं इससे ऊपर से जाती हैं और रोड है यूज की जाती थी फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पजेज, तो यहाँ से गाड़ियाँ जाती आती थी। लेकिन आजकल जो ये सड़क है अब बंद कर दी गई है, सिर्फ यहाँ पे आप पैदल चल सकते हो। ठीक है, अभी जो मिस्टर जावेद अंकल है उन्होंने बहुत अच्छे से हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, ये किस तरह बना, किसने बनाया, कब बना। तो अब आप एक इसका सीनिक व्यू दिखा देते हो, दिखाते हैं दरियाए सिंध कहाँ पे है, जरा थोड़ा आप दरियाए सिंध का इसको दिखा दें। होपफुली आपको ये वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। हमने अपने मुताबिक जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।